So the drug we are going to discuss is called Tamsulosin. It is a rare drug. आपको easily pharmacy पे इस तरह की drug available नहीं मिलेगी like Tamsulin वगैरह because ये normally जो है गैर शादीशुदा लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं भी होती but जो लोग शादी करने लगते हैं जिनकी शादी हो चुकी है उनके लिए जिनको sexually problems हों उनके लिए ये drug मुफीद है. कैप्सूल्स में आती हैं 0.4 mg की इनकी कैप्सूल होती है. देख लें इसकी डोज भी काफ़ी कम है बिकॉज इट इज़ नॉट अ ड्रग विच यू कैन यूज डेली. इट इज़ यूज फॉर बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी. अब इस बात को ज़रा आप समझें कि एक तो बेनाइन है चलें ठीक है एक जगह पे रुका हुआ है बट प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी यानी लेट सपोज दिस इज द ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन एंड देयर इज अ ग्लैंड विच इज़ कॉल्ड प्रोस्टेटिक ग्लैंड और उसकी हाइपरट्रोफी हुई है. हाइपरट्रोफी का मतलब है कि वो ग्लैंड अपने साइज से बड़ा हो गया है. अब जब ग्लैंड अपने साइज से बड़ा हो गया है तो वो यूरिथ्रा में ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है. ओके सो व्हेन द ग्लैंड इज ऑब्स्ट्रक्टिंग द यूरिन तो यहाँ पे जो है प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है. पेन फील होता है, जलन महसूस होती है. तो BPH में अक्सर लोगों को ये बहुत पेनफुल सामना होता है. सो इन दैट केस वी यूज द ड्रग Tamsulosin जो कि 0.4 mg पर ओरल एवरी डे ली जाती है. टेक 30 मिनट्स आफ्टर दिस मील ठीक है एंड एडिक्वेट रिस्पॉन्स आ जाता है 2 से 4 हफ्तों में आ जाता है. अगर नहीं भी आता तो आप डोज डबल कर दो 0.4 से 0.8 mg कर देते हैं और अगर आप थेरेपी इंटरप्ट करते हो या डिसकंटिन्यू करते हैं तो आप वापस 0.4 से स्टार्ट लेंगे ना कि 0.8 से. तो एक तो BPH में इस ड्रग का इस्तेमाल है. BPH में सिर्फ ये वाहिद ड्रग नहीं है, फ्लेवोक्सेट भी BPH में ही इस्तेमाल होती है. और ब्लेडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन. अब ब्लेडर आउटलेट क्या है, एक तो आपका प्रोस्टेट का प्रॉब्लम, लेट सपोज प्रोस्टेट का प्रॉब्लम नहीं है बल्कि ब्लेडर का इशू है यानी कि जैसे आपके पास यूरिनरी ब्लेडर होता है और फिर यूरिथ्रा, लेट सपोज के ब्लेडर में कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है और ब्लेडर का जो आउटलेट वे है वो ब्लॉक्ड है. इन दैट केस टू रिलीव द सिम्टम्स वी अगेन यूज Tamsulosin विच इज़ अ वेरी हेल्पफुल ड्रग इन दैट केस. हर ड्रग के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं लाइक Tamsulosin के एडवर्स इफ़ेक्ट्स या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जैसे कि सर चकराना, हाइपोटेंशन या ब्लड प्रेशर का कम हो जाना, रिनाइटस यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में इशू आ जाना, एबनॉर्मल एजैकुलेशन यानी कि जब नॉर्मल स्पर्म्स वगैरह हैं वो नॉर्मली फिर एबनॉर्मली जो है वो एजैकुलेट होते हैं, नॉर्मल स्पर्म का जो पैटर्न है वो ठीक नहीं रहता, डिजीनेस यानी कि सर चकराने लग जाता है, अर्थरालजिया घुटनों में दर्द होता है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, इसके अलावा एस्थीनिया, बैक पेन, स्किन रैशेज वगैरह, ये डिपेंड करता है अक्सर एलर्जीज पे तो उन लोगों को हो जाती हैं. एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करनी है, आप ओरली ड्रग लेते हैं 30 मिनट्स आफ्टर द सेम मील ठीक है यानी 30 मिनट आप खाने के बाद लेते हैं और डू नॉट क्रश चिव या ओपन कैप्सूल्स यानी कैप्सूल को आप डायरेक्ट लेते हैं उनको क्रश या चिव नहीं करते. सो दैट इज़ ऑल अबाउट द Tamsulosin विच इज़ अवेलेबल इन Tamsulin एंड इट इज़ अ यूजफुल ड्रग फॉर BPH. थैंक यू.